Hello students, welcome to SST class. Today we will start our chapter number 13, the state of coastal plains. तो coastal क्या होता है जो कि हमारे तटवर्ती areas होते हैं. Start from Tamil Nadu. Geography. Tamil Nadu is the state of the narrow southern part of the peninsula. It shares its borders with the union territory of Pondicherry and the states of Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh. The eastern ghats lie to its north, the Bay of Bengal is its east and the Indian Ocean is south. The state extends from the eastern coastal plain to the western ghat. It is the only state in India to receive rain in winter season. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Rivers Kaveri and Vaigi flows through the region. तो इसमें हमें क्या बताया गया है उसका को जियोग्राफी जो कि उसका एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है. तो जो नैरो है सदर्न पार्ट इसका जो कि पेंसुल है और यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी और स्टेट ऑफ कर्नाटका केरल एंड आंध्र प्रदेश तक इसके बॉर्डर हैं. ईस्टर्न घाट में इसमें नॉर्थ तक है, बे बंगाल इसमें ईस्ट में है. ऑफ द इंडियन ओशन इसका कहाँ पे है साउथ तक. द स्टेट एक्सटेंड है ईस्टर्न क्लॉन प्लेन टू द वेस्टर्न घाट जो कि वेस्टर्न घाट तक है. द ओनली स्टेट इन इंडिया टू रिसीव द रेन इन विंटर सीजन जहाँ पे विंटर में रेन होती है. चेन्नई इसकी कैपिटल है ऑफ तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है. रिवर्स कौन सी हैं कावेरी वाइगी यहाँ से फ्लो करती हैं. लैंग्वेज कौन सी है तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट. फूड कौन कौन सी हैं राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ तमिलनाडु. द फूड मेनली कंप्राइजेज आइटम्स मेड्स ऑफ राइस लाइक डोसा इडली एंड वड़ा. दे आर जनरली सर्वड इन सांभर एंड कोकोनट चटनी. कुल्ली पनियम is a popular sweet dish of the state. The city of Salem is well known for the forest mangoes. जहाँ पर यहाँ के main dishes किससे बनाती हैं rice से. तो इसकी rice की कौन कौन सी item यहाँ से बनाती हैं बनती हैं डोसा इडली एंड वड़ा. और यहाँ mainly क्या ईटन होता है सांभर जो कि कोकोनट चटनी के साथ खाया जाता है. और यहाँ की स्वीट डिश कौन सी है कुली पनियम. द सिटी ऑफ सलेम इज़ वेल नोन फॉर इट्स मैंगो जो कि सलेम सिटी है वो किसके लिए पॉपुलर है मैंगोज के लिए. कल्चर और फेस्टिवल कैसे हैं द क्लासिकल डांस फ्रॉम भरतनाट्यम ऑर्गेनाइज इन द टेम्पल ऑफ तमिलनाडु. जो भरतनाट्यम है जो जहाँ का मेन डांस है. पोंगला इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ जनवरी. पोंगला डिश मेड ऑफ अ राइस एंड डॉल इज ऑफर टू डाइट्स टू थैंक देम फ्रॉम टू गॉड हार्वेस्ट. अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड दिवाली अड्डी पुरुक्वा अयोध्या पूजी एंड क्रिसमस. तो यहाँ पर क्या है पोंगला हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मंथ में कौन से में जनवरी में. जो पोंगला है वो एक डिश से उस दिन एक डिश बनाई जाती है किसके साथ राइस एंड दाल के साथ जो कि ऑफर किया जाता है थैंक गॉड को थैंक करने के लिए हार्वेस्ट के टाइम. अदर फेस्टिवल कौन से हैं दिवाली अदाई प्रिकू एंड अयोध्या पूजा एंड क्रिसमस. एग्रीकल्चर कौन से है मोस्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन प्रैक्टिसाइज फार्मिंग. द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेट आर राइस ज्वार बाजरा पल्सेस शुगर केन एंड कॉटन. जो यहाँ का मोस्ट पॉपुलर क्या है फार्मिंग है. और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं राइस होता है ज्वार होता है बाजरा होता है और दाल्स होती हैं एंड शुगर केन गन्ना एंड ऑल्सो कॉटन. फ्रूट्स कौन से होते हैं बनाना मैंगो एंड कोकोनट. टी एंड कॉफी प्लांटेशन आर फाउंड इन हिली एरिया. अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज फिशिंग स्पेशली इन कोस्टल एरिया. जो कि कोस्टल एरिया में होता है वो क्या है स्पेशली फिशिंग होती है. इंडस्ट्री कौन सी है तमिलनाडु हैज़ हैंडलूम सिल्क वीविंग इंडस्ट्रीज एंड फेमस फॉर द कंचीपुरम साड़ी. थिन शीट्स ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स आर यूज्ड टू मेक तंजौर पेंटिंग ऑफ गॉड्स एंड गुडेज. द स्टेट ऑल्सो हैज़ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज लाइक लेदर ऑटोमोबाइल सीमेंट रेलवे कोचेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. शिवास्की इज नोन फॉर इस फायर क्रैक इंडस्ट्री. तो जहाँ पे हैंडलूम किस चीज़ की होती है सिल्क वेविंग की. जहाँ की फेमस क्या चीज़ है कंचीपुरम साड़ी. द सीड्स ऑफ गोल्ड पीसेस स्टोन्स आर यूज टू मेक. यहाँ पे शीट्स होती हैं गोल्ड पीसेस है और यहाँ उस पर स्टोन्स पे वर्क किया जाता है. तंजौर पेंटिंग एंड गॉड्स एंड गुडेज की जो कि उसकी फेमस है. यहाँ पे इंडस्ट्रीज और कौन कौन सी हैं लेदर की ऑटोमोबाइल्स की सीमेंट की एंड रेलवेज की एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की. सिवस्की इज नॉन फॉर द फ्राई क्रैकर. जहाँ पे सिवेक्सी है उसका नाम जो कि फायर क्रैकर्स के लिए फेमस होती है एक इंडस्ट्री है. चाइनीज एंड टुटिकोराइन आर टू इंपॉर्टेंट स्पॉट्स ऑफ तमिलनाडु. ये दोनों फेमस तमिलनाडु के पोर्ट्स हैं जहाँ पे कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क होता है. टूरिज्म कौन सी है द स्टेट हैज़ मैनी हिस्टोरिक मोनूमेंट्स एंड रिलीजियस साइट्स. फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स इंक्लूडिंग विवेकानंद रॉक मेमोरियल हिंगरकल फॉल्स डॉल्फिन नोस एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लाइक बृहदेश्वरा टेम्पल एंड शॉ टेम्पल. ऊटी एंड कोडाइकनाल आर पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु. द गिंडी नेशनल पार्क
The Gudi National Park is one of the smallest national park in container Chennai, and NLRM Tiger Reserve reserve formerly known as Indira Gandhi Wildlife Sanctuary and National Park is also visited by wildlife enthusiasts. Sri Urubunendo Ashram, Rock Beach, Botanical Garden and Murthy Mandir is the nearby Union Territory and Pondicherry also popular for among tourists. These are tourist places in UK. Vivekananda Rock Memorial, Hongin Girl Falls, Dolphin Nose and UNESCO World Heritage Sites. यहाँ के मेन टेम्पल्स हैं. ऊटी एंड कोडिकन आर पॉपुलर हिल स्टेशन हैं तमिलनाडु की. गोंडी नेशनल पार्क स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है जो कि इस कंट्री का है, जो कि चेन्नई में है. यहाँ के एनिमली टाइगर रिजर्व हैं फॉर्मली नोन एज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क का ऑल्सो विजिट बाई वाइल्ड लाइफ एंथोसिस. श्री अरुबंद्रम आश्रम, रॉक बीच, बोटेनिकल गार्डन एंड मत्री मंदिर इज द नियर बाई यूनाइटेड टेरेटरी ऑफ पांडिचेरी ऑल्सो पॉपुलर फॉर द टूरिस्ट. नेक्स्ट आंध्र प्रदेश. जियोग्राफी क्या है? 2 जून 2014 में हुआ था. आंध्र प्रदेश वॉज डिवाइडेड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना विद हैदराबाद नेम्ड एज द कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स. इवेंचुअली द सिटी ऑफ अमरावती एंड डिवेल्प द नेम्ड ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. हाल हैदराबाद कंटिन्यू टू बी द कैपिटल ऑफ तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 में बना था. आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया 2 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना विद हैदराबाद नेम्ड एज अ कैपिटल बोथ द स्टेट्स. जो कि इस इवेंचुअली द सिटी ऑफ अमरावती वॉज डेवलप्ड एंड नेम्ड द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. हाल हैदराबाद कंटिन्यू टू द कैपिटल ऑफ तेलंगाना. आंध्र प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद तेलंगाना इन द नॉर्थ, ओडिशा इन द नॉर्थ वेस्ट, तमिलनाडु इन द साउथ एंड कर्नाटका इन द वेस्ट ऑफ बे बंगाल इन द ईस्ट. हैदराबाद, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द रीजन. द रीजन हैज मैनी फॉरेस्ट एंड वेरिड टॉपोग्राफी लाइक प्लेन्स, हिल्स एंड शोज. रियल सीमा, the northern part of the state is located at the highest height and has a dry climate. Coastal Andhra, that other region, has a hot and humid climate with low rainfall and cool winters. River Krishna and Godavari flows through the states. So usne hame kya bataya tha ki kon kon se part iske kahan pe kiske sath border connect hota hai. To jk हैदराबाद, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम ये तीनों सिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस एरियाज की. दीज रीजन्स मैनी फॉरेस्ट हैं राइड फोटोग्राफी के लिए है, लाइक प्लेन्स है, हिल स्टेशन एंड शोज हैं. रॉयल सीमा ऑफ नदन पार्ट स्टेट इज लोकेटेड इन द हाइट, हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ड्राई होता है. कोस्टल आंध्र द रीजन अदर रीजन हैज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है और विंटर्स में कूल कम होता है. तो रिवर्स कौन सी है, कृष्णा एंड गोदावरी. लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाए, कलोगा इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट बट पीपल ऑल्सो स्पीक तमिल, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश. जो इसकी तेलुगु इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है बट यहाँ पे तमिल, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश भी बोली जाती है. फूड कौन सी है, स्टेट ऑफ फूड है आंध्र प्रदेश इज राइस. आंध्र प्रदेश का फेमस फूड क्या है, राइस का है. इसे जनरली ईटन विद वेजिटेबल, जो वेजिटेबल के साथ खाया जाता है. सी फूड इज ऑल्सो इंजॉयड बाय द पीपल, सी फूड भी यहाँ पे लोगों को इंजॉय किया जाता है. पुली होरा टमानंड राइस prepared with chilies is a popular dish of the state. जो कि यहाँ की popular dish है, कौन सी, पुली होरा. chilies are extensively used in cooking. तो chilies यहाँ पर बहुत ज़्यादा use की जाती हैं. many varieties of pickles and chutneys are prepared here. यहाँ पर chutneys and pickles की बहुत ज़्यादा varieties मिलती हैं. pickles means अचार. गंगुआ pickle अम्बादी is prepared using the sores or the leaves, curd rice and chicken biryani are other popular delicious of the region. जो कि गंगोरा पिकला अम्बादी है वो यहाँ पर mostly prepare किया जाता है, कहाँ से, leaves के साथ. तो curd and rice and chicken biryani यहाँ की other famous dishes हैं. culture क्या है, the classical dance from Kuchipudi originated in Andhra Pradesh. Dhima, Dimsha and Lambadi are tribal dance from ऑफ द स्टेट. जो कि कुचिपुड़ी यहाँ का, कुचिपुड़ी यहाँ का ओरिजिन यहाँ से बनाया गया है, यहाँ पे फेमस है उसका, यहीं से उसका बॉन मतलब एक तरह का वहाँ से ही बनाया गया जो कि पैदा होता है वैसे वहाँ से ही किया जाता है. जो कि अदर इसकी कौन कौन सी है, धीमाशा एंड लंबाड़ी आर द
other tribal dance. People in village worship and village gods. There are New Year festival, Ugedi and harvest festival. And the जो कि यहाँ का Ugedi है वो क्या है? Harvest festival है और जो कि New Year festival है. संस्कृत क्रांति आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर. जहाँ पे संक्रांति बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाई जाती है. सम अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्ट्रीट्स आर दशहरा एंड रामनवमी. एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स आर डेपिसेटेड इन द टेक्सटाइल पेंटिंग एंड मोमेंट्स ऑफ द स्टेट. एग्रीकल्चर राइस इज प्रोड्यूस्ड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द स्टेट. ज्वार बाजरा माजी मिलेट्स शुगरकेन कॉटन एंड चिली आर ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम द सॉइल एंड क्लाइमेट्स सूटेबल फॉर देयर ग्रोथ. जो कि यहाँ पे अदर एग्रीकल्चर्स का किया जाता है. कौन कौन सी है? राइस यहाँ पे मेनली प्रोड्यूस होते हैं. ज्वार बाजरा माइजी मिलेट्स शुगर केन कॉटन एंड चिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. इंडस्ट्री कौन सी है? द रीज़न हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स लाइक माइका एंड लाइमस्टोन्स. माइनिंग आईटी फॉर मेस्टिकल्स एंड टेक्सटाइल्स आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द रीज़न. यहाँ पे कौन कौन सी मिनरल्स हैं? माइका एंड लाइमस्टोन जो कि हमारे मिनरल्स हैं. और यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? माइनिंग की, आईटी की और फार्मास्यूटिकल की एंड टेक्सटाइल्स की यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं. कलामकारी, हैंड प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल इज नोन आर्ट ऑफ द स्टेट. यहाँ पे कलमकारी, हैंड प्रिंटेड एंड ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल किया जाता है जो कि स्टेट की फेमस है. वंसरा नीडल क्राफ्ट इज ऑल्सो नोन टू हैविंग ओरिजिनेटेड हेयर. जो कि वंजरा नीजल क्राफ्ट से नीडल के साथ क्राफ्ट किया जाता है वो भी यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है. हैंडीक्राफ्ट लाइक मेटल वर्क, वुडन टॉयज एंड बॉक्सेस एंड पेंटिंग्स मेड यूजिंग वेजिटेबल्स डाइज आर ऑल्सो पॉपुलर प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट. यहाँ पे अदर क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट होता है, मेटल वर्क होता है, वुडन टॉयज भी होता है, बॉक्सेज होता है एंड पेंटिंग होती है. किसके साथ? यूजिंग वेजिटेबल डाइज के साथ जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. टूरिज्म कौन सा? द रीज़न हैज़ मैनी टूरिस्ट आर्ट अट्रैक्शंस दैट इंक्लूड बोरा केव्स, अरुका वैली एंड द अरामाकोंडा पीक. टेम्पल्स लाइक वेंकटेश्वरा, श्री सलेमा एंड श्री कलश्त्री और प्लीजरम साइट्स जो कि यहाँ की बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइट्स हैं. द टेम्पल्स ऑफ म्यूजियम्स फीचर्स अबाइड रेंज ऑफ एंसाइंस कल्चर, पेंटिंग्स, एडियल्स, वेपन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड रिलीजियस आर्ट क्राफ्ट. यहाँ पे सभी तरह का म्यूजियम में बहुत कुछ देखने को मिल जाता है टेम्पल के. जैसे कि उसकी जो कि पुराने हमारे स्क्रिप्टर्स होते हैं वहाँ, पेंटिंग्स उनकी जो कि उनके आइडल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं हमारे, वो सब यहाँ के देखने को मिलता है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर एंड वी विल डू द बैक एक्सरसाइज. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग लिस्ट द स्टेट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लान एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लान. ईस्टर्न कोस्टल प्लान स्टेट्स आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा. वेस्टर्न कोस्टल प्लान स्टेट्स आर केरला, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. राइट अ नोट ऑन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया इज फार्मिंग एंड फिशिंग. द मेन thing required for fishing is water which is abundant in their areas. Some of the main crops grown in coastal areas such as coconut, rubber, rice and tapioca etc. तो यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन कौन से हैं? लिविंग के लिए समय कोस्टल एरियाज एंड फार्मिंग एंड फिशिंग है. जो कि फिशिंग कहाँ होती है? वाटर्स में होती है. और जो कि अदर क्रॉप्स होती हैं वो इनके कोस्टल एरियाज में होती हैं जैसे कि कोकोनट, रबर, राइस एक्सेट्रा. List one popular festival and tourist destination of the each state of the coastal plains. State कौन कौन सी है? तमिल नाडु. तमिल नाडु का फेस्टिवल कौन सा है? पोंगला. टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन की है? हैंगुकल फॉल्स. आंध्र प्रदेश का कौन सी है? संक्रांति. उनका फेस्टिवल कौन सा है? बोरा केव्स. उड़ीसा दुर्गा पूजा, जगन्नाथ टेम्पल. केरला ओनाम, पिरमिड. कर्नाटका उगड़ी, केशव टेम्पल. गोवा, गोवा कार्निवल, दूधसागर फॉल्स. महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी एंड एलिफेंटा केव्स. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर एंड द बैक एक्सरसाइज. थैंक यू. हैव अ गुड डे.